का वीडियो भी एक रिक्वेस्ट वीडियो है। मेरा एक सब्सक्राइब मुझे मैसेज किया है, उसका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है और उसका ब्लड शुगर हाई है, तो वो क्या आपका एग खा सकते हैं कि नहीं? तो अगर खाए कौन सा एग खाए कि आपका किसी तरह एग वो खा सकते हैं कि नहीं? तो इसीलिए आज के सभी सब्सक्राइब के लिए वीडियो है, लेकिन मेरा जो मैसेज किया है वो सब्सक्राइब के लिए स्पेशल वीडियो है। हाँ, मेरा साथ बनते रहिए और देखते रहिए पूरा वीडियो। वेलकम टू एवरीवन, समृद्धि जी सेडिशन शैली में सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जिन पर्सन मेरे लविंग फैमिली में ऐसे क्वेश्चन के लिए जो जेन्युइन वीडियो आप लोग के सामने दे सकते हूँ, और जिन जिन पर्सन ये फैमिली मेंबर में आना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन हिट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरा तुरंत फ्यूचर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाएंगे। देखिए, पहले तो यही बोलना चाहते हैं कि आपका जो हेन का जो एग है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स जो लोड का लोड है वो बहुत कम है, सच में बहुत कम। ये आप फ्रीली कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपने मैसेज किया था उसका आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो इसलिए आपका एग का एग लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लाइसेमिक लोड शुगर पेशेंट के लिए एक अच्छा है, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड एग के अंदर बहुत कम रहते हैं, लेकिन एग का जो येलो पार्ट है अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं, येलो पार्ट का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो आपका येलो पार्ट छोड़ना पड़ेगा, और जिन जिन पर्सन सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट है वो पूरा एक ले सकते हैं, किसी तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड है आपका हेन का जो एक तो बोल दीजिएगा आपका ड्रैकलिन का जो एक है वो अगर आप लेना चाहते हैं वो भी राइसेमिक लोड कम है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका जो मान लीजिए कि जो देशी हेन है उसका जो एग है अगर आप वो एग कंज्यूम करें उससे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सच में आप एक ले सकते हैं, लेकिन आपको बीमारी कैसे है वो जानने के बाद एक पूरा लीजिए, फिर येलो पार्ट या व्हाइट पार्ट आपका डिवाइड करने के बाद आप ले सकते हैं। बोलना चाहते हैं रुआ फिश के बारे में, मतलब फिश का जो एग है उसके बारे में। अगर आप शुगर पेशेंट है तो आपका जो रुआ फिश है वो आप हफ्ते में 2 डेज ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और आपका जो ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है। सच में हेन का जो एग है उसके मतलब ज़्यादा भी आपका रुआ फिश में आपका ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो आप रुआ फिश आप ले सकते हैं, किसी तरह प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा आप लेंगे तो उसके अंदर जो आपका फैटनेस का जो प्रॉब्लम है वो आपका शरीर में जाके खराब कर सकते हैं, तो इसीलिए क्वांटिटी ठीक रखने के बाद रुआ फिश आप ले सकते हैं। लेकिन जिन जिन पर्सन फिर वो बोलना चाहती हो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है उसके रुआ फिश में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो आप अगर इसे खाना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार थोड़ा सा ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का अगर आप शरीर में आ चुका है तो। लेकिन अगर नहीं आ चुका, ब्लड शुगर सिर्फ है आपका, तो हफ्ते में 2 डेज ले सकते हैं। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है आप तो हफ्ते में एक टाइम आप थोड़ा सा ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। मेरा आज का ये वीडियो है, मेरा सब्सक्राइब मेरा क्वेश्चन किया था, इसलिए मैं स्टडी करने के बाद जेन्युइन वीडियो आप लोगों के सामने पेशकश कर रही हूँ। मेरा छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए जान पड़ने के लिए कि कौन कौन पेशेंट कैसे कैसे अगर आप एक कंज्यूम करते हैं तो अगर साइड इफ़ेक्ट रहेंगे कि नहीं। लेकिन देखिए, अगर मैं जैसे बोला वैसे नहीं खाना खाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन जितना बोला हो उतना परिमाप ठीक रखने के बाद ऐसे अगर कंज्यूम करें तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे कंज्यूम किए। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनते हैं। आज के लिए इतना सही, थैंक यू सो मच।